जय हिंद। हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ महातो सर यूट्यूब चैनल। दिस इज सचिन सर। आज हम यहाँ पे आपके लिए काफी स्नैपी वीडियो लाए हैं आर्टिकल्स का। जैसे कि हमारा सीरीज चल रहा है इंग्लिश ग्रामर का, उसमें हमने बहुत अच्छा टॉपिक आज लाए है आर्टिकल्स का। दिखने में ये छोटा लगता है, देर आर ओनली थ्री वर्ड्स आर्टिकल्स ए एंड द, बट लेकिन ये काफी डिफिकल्ट भी है। इसके ऊपर अगर बोला जाए तो हम ये भी बोल सकते हैं कि देर आर पीपल हैव डन मेनी पीएचडी ऑन आर्टिकल्स। पीएचडी भी बहुत सारे हो चुके हैं। ऐसा लगता है कि यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड द काफी इजी होगा, लेकिन ये इतना इजी नहीं है जितना आप सोचते हो। लेकिन आज का वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपने शायद कभी आपको पता भी नहीं होगा। बहुत ईजी है, अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स अगर आपको पता है तो आप काफी आसानी से आर्टिकल्स को यूज कर सकते हो। कोई डरने की बात नहीं, बस जुड़े रहिए। मैं आपको फिर से मातो सर यूट्यूब चैनल का आपका स्वागत करता हूं और आज को हम वीडियो हम शुरू करते हैं, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद द वीडियो। वी आर गोइंग टू लर्न आर्टिकल्स टुडे। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, ए एंड द। कितने हैं आर्टिकल? थ्री। दिखने में तीन ही है लेकिन उसका यूज पता होना चाहिए। ए का यूज पता होना चाहिए, एंड का यूज पता होना चाहिए और द का यूज पता होना चाहिए। कोई भी इंग्लिश में अगर बात कर रहा है तो शायद ही का यूज जो होगा आर्टिकल्स का बराबर रहेगा। हम मैक्सिमम टाइम यूज जो करते हैं आर्टिकल्स का, उसमें गलतियां करते हैं। बेसिक छोटी छोटी गलतियां करते हैं। हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उसके बारे में जो एग्जैक्ट रूल्स है वो पता ही नहीं है। अगर हम एग्जाम में भी लिख रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारी गलतियां करते हैं हम। लेकिन आज का वीडियो आप देखने के बाद आई गारंटी यू there would not be any kind of mistake from on the part of you. आपके साइड से कोई गलती नहीं रहेगी, मैं गारंटी। और ठीक है, we start with the video. Topic is article. आर्ट बी को देखो, there are two types of articles. Articles में दो type होते exactly. और ये जो तीन है ना, a and the, उसमें बटे हुए है, दो types में बटे हुए। ये दो types कौन थे वो पहले देख लीजिएगा। कि पहले समझते हैं कि ये आर्टिकल होता क्या एग्जैक्टली। आर्टिकल कुछ नहीं है, आर्टिकल एक हमारा पार्ट ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव। आर्टिकल क्या है? एडजेक्टिव। वो क्या कैसे वो सब हम अभी देखेंगे। उसके पहले उसका डेफिनेशन क्या है, एग्जैक्टली आर्टिकल होता क्या है उसका डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद हम सब डिटेल में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। देखिए, एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कंबाइंस विद अ नाउन एंड helps to determine whether a noun in a sentence or a phrase is specific or general. Article is always used with nouns. हमेशा noun के साथ ही use होता है और ये determine करता है sentence में कि जो noun है specific है कि general है, fix है कि unfix है, पता है कि पता नहीं है। इसके बारे में बताने वाले जो word use किया जाता है noun के पहले, उसको ही हम article बोलते हैं। हमें डेफिनेशन से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ फ्रॉम एज अ पार्ट ऑफ अवर सिलेबस वी जस्ट नो डेफिनेशन। हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट काम होता है वो एप्लीकेशन ऑफ आर्टिकल, यानी कि यूज करने का तरीका हमें वो पता होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? थी देर आर थ्री आर्टिकल्स, तीन आर्टिकल्स जैसे हमने डिस्कस किया था। कौन से? ए एंड द, ये तीन आर्टिकल है। दिखने में हमें लगता है कि हम इजीली उसको यूज कर पाएंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम यूज करते हैं तो वी मेक थाउजेंड्स ऑफ मिस्टेक व्हाइल यूजिंग आर्टिकल्स इन इंग्लिश। इवन अ नेटिव स्पीकर, इवन जिनका मदर टंग ही इंग्लिश है, वो भी बहुत सारी गलतियां करते हैं। वो गलतियां हमें अवॉइड करनी है तो हमें उसके ऊपर कमांड लाना बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल्स, ठीक है? तो देखते हैं, डोंट वरी। आर्टिकल्स ए एंड द, उसमें दो टाइप्स है। नंबर वन, डेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स उसमें उसका जो डेफिनेट आर्टिकल है वो है द। उसके बाद सेकंड टाइप है वो है इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स उसमें दो आर्टिकल आते हैं, ए और ए एंड, ये दो आर्टिकल उसमें आते हैं, ठीक है? यानी कि आर्टिकल के दो टाइप है, एक होता है डेफिनेट उसमें द आता है और दूसरा होता है इनडेफिनेट उसमें आता है ए और एन। ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उसके पहले समझते हैं एग्जैक्टली आर्टिकल क्या है। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि आर्टिकल क्या होता है, जो नाउन होता है वो स्पेसिफिक है कि जनरल है, उसके बारे में हमें आइडिया देता है। लेकिन हम आर्टिकल का यूज क्या है वो भी हम देखेंगे अभी, ठीक है? तो फर्स्ट यू सी,
आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स, आर्टिकल्स क्या है एडजेक्टिव्स, और हमें एडजेक्टिव क्या है ऑलरेडी पता है हमें। एडजेक्टिव क्या होता है? इट इज अ वर्ड विच गिव्स मोर और एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाला वर्ड जिसको हम क्या बोलते हैं एडजेक्टिव्स बोलते हैं। और आर्टिकल भी क्या है, ये एडजेक्टिव्स ही है क्योंकि आर्टिकल ए एंड द ये नाउन को ही मॉडिफाई करते हैं, इसलिए वो एडजेक्टिव्स है। आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव्स। आपको एक बात यहां पे पता चली होगी, आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज विथ नाउन क्योंकि ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव भी नाउन और प्रोनाउन के साथ आते हैं, ये बात हमें पता होनी चाहिए। सीधे एग्जांपल, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय, फाइंड आउट द नाउन फ्रॉम द सेंटेंस। बॉय इज अ नाउन इन दिस सेंटेंस, बॉय एक लड़का है, क्या है एक लड़का है, इसलिए जो नाउन है और नाउन के पहले हमने आर्टिकल यूज किया है ए। देयर इज अ बॉय, एक लड़का है, ठीक है। यहां पे ए ही क्यों आया, एन क्यों नहीं, द क्यों नहीं, ये सब हम आगे देख लेंगे। फिलहाल अभी समझते हैं बेसिक बेसिक चीजें आर्टिकल्स के बारे में। सेकेंड थिंग, पहले हमने देखा आर्टिकल्स आर एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव है यानी कि ये नाउन के साथ आते हैं। दूसरा, आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज बिफोर कॉमन नाउन। द सेकेंड एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट आर्टिकल्स, हमने पहली बात हमें तो पता चली कि आर्टिकल कहां पे यूज करते हैं, नाउन के साथ, लेकिन नाउन में तो पास्ट टाइप है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, ये सब उसके टाइप से, लेकिन कौन से नाउन के पहले हमें आर्टिकल यूज करना है, वो है कॉमन नाउन। आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज बिफोर कॉमन नाउन, नॉट प्रॉपर नाउन, ये बात हमें यहां पे समझनी है। किसी का पर्टिकुलर नाम होगा तो उसके पहले कभी भी आर्टिकल आता नहीं है, ये बात हमें याद रखनी है। इसी बात ये है, उसके पहले एक्सेप्शन है, प्रॉपर नाउन के पहले हम कभी कभी आर्टिकल यूज करते हैं, वो एक्सेप्शनल रूल है, वो भी हम पढ़ने वाले आगे, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है, लेकिन वो एक्सेप्शन होता है। तो देखिए एग्जाम्पल, देखिए दिस इज अ बर्ड, यहाँ पे नाउन कौन सा है, बर्ड, और बर्ड क्या है, एक कॉमन नाउन है, बर्ड क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन मीन्स व्हाट, ऐसा नाउन एक पूरे ग्रुप को दिया हुआ रहता है, वो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम जनरली बोलते हैं कॉमन नाउन। बर्ड किसी पर्टिकुलर एक पंछी का, एक बर्ड का नाम नहीं है, जो जितने भी पंछी है उनके पूरे ग्रुप को हमने दिया हुआ नाम रहता है, वो होता है कॉमन नाउन, और हमने जो पंछी है उनके ग्रुप को क्या नाम दिया है, बर्ड, दैट इज वाई इट इज अ कॉमन नाउन। क्या है, कॉमन नाउन। तो देखिए ए कहां पे आया है, कॉमन नाउन के पहले आया है, ये हमें यहां पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दैट इज एन एग, यहां पे कॉमन नाउन कौन सा है, एग, क्या है, एग, एक पर्टिकुलर एग, एग को हम नाम नहीं देते एग का, वो यानी कि एग ये कॉमन नाउन है, ठीक है। तो उसके उसके पहले यहां पे आर्टिकल आया है एन, और यहां पे अभी यहां पे देखिए टेंशन मत लीजिए, यहां पे ए क्यों आया, यहां पे एन ही क्यों आया, वो हम सब पढ़ने वाले, कोई टेंशन नहीं रहेगा ये वीडियो देखने के बाद, आई गारंटी यू। नेक्स्ट रूल, पहला रूल देखा आर्टिकल कौन है, एडजेक्टिव है। दूसरा रूल देखा, आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज विद कॉमन नाउन्स, यानी आर्टिकल जो होते हैं वो हमेशा कॉमन नाउन के पहले ही आते हैं, एक बात याद रखनी है। तीसरा इंपॉर्टेंट रूल है, आर्टिकल्स आर यूज बिफोर एन एडजेक्टिव इफ द एडजेक्टिव इज यूज बिफोर द कॉमन नाउन, ये भी बात याद रखनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आर्टिकल यूज करते समय हमारा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप एक बात समझे, मैंने अभी पहले क्या बोला था, कॉमन नाउन के पहले क्या आता है, आर्टिकल आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कॉमन नाउन को मॉडिफाई करने वाला एक एडजेक्टिव उसमें ऑलरेडी आता है, ऑलरेडी आता है, और हम जो आर्टिकल यूज करते हैं ना, उस एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल यूज करना पड़ता है। अगर सेंटेंस में कॉमन नाउन के पहले और कॉमन नाउन के साथ अगर ऑलरेडी एक एडजेक्टिव है, तो हमें आर्टिकल कॉमन नाउन के पहले नहीं यूज करना है, कॉमन नाउन के पहले नहीं यूज करना है, हमें कहां पे करना है, वो जो एडजेक्टिव आया ना उस कॉमन नाउन के लिए उसके पहले यूज करना है। यहां पे देखिए एग्जांपल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, नाउन कौन सा यहाँ पे कॉमन नाउन, गर्ल, गर्ल इज अ कॉमन नाउन, गर्ल है, लेकिन गर्ल कैसी है, ब्यूटीफुल, लड़की है, ब्यूटीफुल। यहाँ पे देखिए हमने ए कहाँ पे यूज किया, देखिए ए हमने द
गर्ल के पहले यूज नहीं किया है, हमने जो वर्ड है गर्ल के बारे में दिया हुआ ब्यूटीफुल उसके पहले यूज किया है ए। इसलिए तो ये रूल इंपॉर्टेंट है कि अगर एडजेक्टिव ऑलरेडी कॉमन नाउन के साथ आया है तो हमें आर्टिकल कहां पे यूज करना है, वो एडजेक्टिव के पहले। ही इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए दूसरा एग्जाम्पल, ही इज अ हैंडसम बॉय। बॉय, बॉय कैसा है, बॉय इज अ नाउन, कॉमन नाउन। बॉय कैसा है, हैंडसम, और हमने जो आर्टिकल यूज किया है हैंडसम यानी कि वो एडजेक्टिव के पहले यूज किया है। ये रूल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर नाउन के साथ कोई उसको मॉडिफाई करने वाला अगर एडजेक्टिव आता है तो हमें जो आर्टिकल यूज करना है वो उस एडजेक्टिव के पहले यूज करना है। यहाँ पे ब्यूटीफुल एंड हैंडसम यहाँ पे के पहले हमने आर्टिकल यूज किया है। यहाँ पे एक और एक बात, ऐसे ही मैं जोकिंग बता रहा हूँ कि ब्यूटीफुल हमेशा गर्ल्स के लिए यूज, बिकॉज गर्ल्स आर डेलिकेट एंड हैंडसम इज ऑलवेज गोज विथ बॉय। हाँ ये बात याद रखना है, बॉय हैंडसम बॉय होता है, गर्ल नहीं होती है, ब्यूटीफुल गर्ल होती है, ब्यूटीफुल बॉय नहीं होता है, ये बात हमेशा याद रखो। कुछ वर्ड होते हैं इसके ऐसे यूज किए जाते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट इनडेफिनेट आर्टिकल। जो देखो मैंने आपको बताया था, अब ये डेफिनेट क्या होता है, इनडेफिनेट क्या होता है, पहले समझिए। हमने बंटवारा किया है ना आर्टिकल का, तीन आर्टिकल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किए। एक ग्रुप में आते हैं दो, जिसको हम इनडेफिनेट बोलते हैं, ए एन आता है, और दूसरा जो ग्रुप है डेफिनेट का उसमें एक आर्टिकल आता है द। अभी वो क्या है पहले समझिए। पहला ग्रुप लेते हैं हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट मीन्स व्हाट, वो क्या होता है, जब कोई चीज फिक्स होती है, पर्टिकुलर चीज होती है, उसको हम बोलते हैं, सॉरी इनडेफिनेट की बात कर रहा हूं, सॉरी इनडेफिनेट आर्टिकल ये होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो फिक्स नहीं होती है, पर्टिकुलर नहीं होती है, जनरल होती है, तो उसको बोलते हैं जनरली इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट वाले आर्टिकल कौन से है, एंड, ये दो आर्टिकल इनडेफिनेट वाले हैं। पहले इनडेफिनेट का डेफिनेशन समझते फिर से। इनडिफिनेट आर्टिकल्स आर यूज बिफोर सिंगुलर, जब हमें इनडिफिनेट आर्टिकल यानी कौन से ए एंड जब हमें यूज करने हैं, तो जो नाउन कैसा होना चाहिए, कॉमन नाउन, सिंगुलर होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इट शुड नॉट बी प्लूरल, ऐसा होना चाहिए सिंगुलर। दूसरा, और वो नाउन कैसा होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए। काउंटेबल मीन्स व्हाट, जिसको हम 1, 2, 3, 4 में काउंट कर सकते, ऐसे जो नाउन होते उसको बोलते हैं हम काउंटेबल वर्ड। हमें दूसरा तो पता ही है, नाउन कैसा होना चाहिए, कॉमन नाउन, यहाँ पे तीन से बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे भाई नाउन तो होना चाहिए, लेकिन नाउन कैसा होना चाहिए, कॉमन नाउन होना चाहिए, कॉमन नाउन, उसके बाद वो कॉमन नाउन काउंटेबल भी होना चाहिए, कैसा, काउंटेबल, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, और तीसरा वो काउंटेबल नाउन सिंगुलर भी होना चाहिए, मींस ओनली वन, इट शुड नॉट बी प्लूरल, वो प्लूरल नहीं होना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल देखिए, अभी आई हैव एन ऑरेंज, ऑरेंज देखिए ये क्या है, ऑरेंज नाउन है, कॉमन नाउन है, एक पर्टिकुलर हमने ऑरेंज को नाम नहीं दिया है, ये ऑरेंज होता है, सब जितने भी ऑरेंज है सबको ऑरेंज ही बोलते हैं हम, ये होगा ये पहला कॉमन नाउन। दूसरा, ऑरेंजेस नहीं है, ये ऑरेंज है ओनली वन, दैट इज व्हाई इट इज अ सिंगुलर। और तीसरा, ये काउंटेबल की है, ये भी चेक कर देते हम, क्या हम ऑरेंज को काउंट कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, सिंपली वी कैन काउंट इट, दैट इज व्हाई इट इज अ काउंटेबल नाउन। ये क्या है, काउंटेबल नाउन, ये यहाँ पे हमने आर्टिकल यूज किया उसके पहले एन, क्या यूज किया, एन। देखिए एन क्यों आ रहा है, ए क्यों आ रहा है, वो हम डेफिनेटली देखने वाले, उसका टेंशन आप मत लीजिए, ठीक है। आप यहाँ पे इतना ही समझिए, इसके रूल्स बेसिकली बेसिक क्या वो समझिए। पहले हमें इनडिफिनेट आर्टिकल यानी कि जब ए और एन यूज करना है ना, तो उसके पहले तीन चीजें डेफिनेटली होनी चाहिए, तभी हम ए और एन का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं, क्योंकि हमारा कॉमन नाउन तो होना ही चाहिए, ऑफकोर्स वो सिंगुलर भी होना चाहिए, एक होना चाहिए, और तीसरा वो काउंटेबल भी होना चाहिए, अनकाउंटेबल नहीं होना चाहिए। क्यों, अभी ये सिंगुलर ही क्यों होना चाहिए, क्योंकि ए और एन का मतलब ही होता है वन, एक, ए और एन का मतलब क्या है, एक, इसकी वजह से यह सिंगुलर होना चाहिए। हम प्लूरल चीजें को कैसे एक बोल सकते रहे, तो ज्यादा चीजें है, बेंचेस ज्यादा है, मेन ज्यादा है, स्टूडेंट्स ज्यादा है, तो उसके पहले हम ए और एन कैसे यूज कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है। अगर हमें सिंगुलर यूज करना है तो ए और एन यूज करना है, तो फिर उसके बाद भी सिंगुलर आना चाहिए, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट आना चाहिए, बेंच आनी चाहिए,
पैन आने चाहिए एटसेट्रा, ऐसे वर्ड आने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे ऑरेंज, ऑरेंज क्या ये सिंगुलर है, एक ही ना, इसलिए तो एन आए यहाँ पे, एन का मतलब होता है एक, यानी कि मेरे पास एक ऑरेंज है, नहीं ऑरेंज है एक ऑरेंज है। तो देखो देयर इज अ मैंगो इन द बैग, यहाँ पे देखिए मैंगो इज अ कॉमन नाउन, इट इज ऑल्सो काउंटेबल, क्योंकि मैंगो को हम काउंट कर सकते हैं और ये सिंगुलर भी है। मैंगोज नहीं लिखा है यहाँ पे, मैंगो लिखा है, ये तुम आया यहाँ पे, यानी मेरे बैग में कितने मैंगो है, एक मैंगो है, क्योंकि ए और एन का मतलब ही होता है वन, एक, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या हुआ, ये तो जनरली हम इन डिफरेंट आर्टिकल्स का यूज किया है वो तो हमने देखा है, क्या देखा है, कॉमन नाउन होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए और सिंगुलर भी होना चाहिए। अभी देखिए हम अलग अलग देखते हैं, अभी ए कहां पे यूज करने का और एन कहां पे यूज करने का। मुझे पता है आपके माइंड में अभी वही चल रहा है कि भाई ए कहां पे यूज करने का, एन कहां पे यूज करने का, अगर उनका मीनिंग तो एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन उनका यूज करने का तरीका जो है वो थोड़ा अलग है। ऐसे वर्ड है जिनके पहले ए आता है और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं नाउन जिनके पहले एन आता है, वही तो हमें अभी समझना है। पहला देखते हैं ए कहां यूज करने का है, सिंपल ए इज यूज बिफोर सिंगुलर, वही हमारा फिर से नाउन कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, काउंटेबल भी होना चाहिए और वो क्या होना चाहिए, कॉमन नाउन भी होना चाहिए, ऐसे कॉमन नाउन भी होना चाहिए, एंड इट शुड बिगिन, नाउन शुड बिगिन विथ कॉन्सोनेंट्स, ये सब तीन चीजें तो होनी चाहिए उस नाउन में, वो नाउन सिंगुलर भी होना चाहिए, काउंटेबल भी होना चाहिए, कॉमन नाउन भी होना चाहिए और उसके नाउन की शुरुआत वो कॉन्सोनेंट से होनी चाहिए। कॉन्सोनेंट्स कौन से है, फिर हमारे अल्फाबेट इंग्लिश में अल्फाबेट जो है 26 अल्फाबेट है, कितने अल्फाबेट, मैं अल्फाबेट्स नहीं बोल रहा हूँ, अल्फाबेट, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वन लैंग्वेज, दैट इज द इंग्लिश, दैट इज व्हाई आई एम यूजिंग हियर अल्फाबेट, देयर आर 26 अल्फाबेट इन इंग्लिश, 26 अल्फाबेट है जिसमें से ए टी आई ओ यू, ये क्या है, ये वॉवल्स है, क्या है, वॉवल्स, और बाकी के जितने भी होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट, क्या बोलते हैं हम उसको, कॉन्सोनेंट। तो ए कहां पे यूज करना है हमें, ये पांच वॉवल छोड़ के कोई भी वर्ड से अगर नाउन की शुरुआत हो रही है तो उसके पहले हम यूज करेंगे ए, क्या यूज करेंगे, ए यूज करेंगे। देखिए यहां पे दिस इज अ बुक, यहां पे नाउन कौन सा है, बुक, और बुक की शुरुआत देखिए बी से हुआ है और बी इस वॉवल में नहीं आता, देखिए ए ई आई ओ यू आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, दैट इज व्हाई बी इज व्हाट, बी कॉन्सोनेंट, और दैट इज व्हाई हमने इसके पहले क्या यूज किया है, ए यूज किया है, यानी जिस वर्ड की शुरुआत कॉन्सोनेंट से होती है उसके पहले डेफिनेटली ए आएगा। ही टोल्ड मी अ स्टोरी, यहाँ पे देखिए नाउन कौन सा हमारा, स्टोरी, और शुरुआत कैसी हुई स्टोरी की, एस से, दैट इज व्हाई एस इज अ कॉन्सोनेंट और उसके पहले हमने ए यूज किया है। अभी आप ये बेसिक रूल है जो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे रुकना नहीं हमें, लेकिन और हर बार ऐसा ही नहीं होता है कि कोई भी वर्ड है जिसकी शुरुआत भाई हुई है कॉन्सोनेंट से और वहां पे ए ही आएगा, ऐसा नहीं है, हमें थोड़ा इसलिए एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा, एडवांस जाना पड़ेगा, तभी तो सब हमें एक सब आर्टिकल का जो खेल है वो समझ में आ जाएगा, समझ रहे हो। यहाँ पे देखिए अभी हमें दूसरा रूल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे हमें ज्यादा फोकस करना है, वेरी इंपॉर्टेंट रूल, जनरली ये किसी को पता नहीं रहता है, इसीलिए तो हमारा आर्टिकल यूज करने में गलती होती है। वो देखिए अभी क्या है, ए इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल, नाउन कौन सा आना चाहिए, हमें तो पता है ए यूज करने के लिए होना चाहिए, काउंटेबल होना चाहिए, वो कॉमन नाउन भी होना चाहिए, बट बिगिन विथ वॉवल, और कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो वॉवल से शुरू होते हैं, कैसे, वॉवल से शुरू होते हैं बट साउंडिंग लाइक कॉन्सोनेंट्स, और साउंडिंग लाइक कॉन्सोनेंट्स, यानी कुछ ऐसे वर्ड है इंग्लिश में जिनकी शुरुआत भले वॉवल से हुई है, कैसे, वॉवल से, पर उनका जो उच्चार है, प्रोनाउंसिएशन है, बोलने का तरीका है, वो कॉन्सोनेंट जैसा होता है, उच्चार हो रहा है ना कॉन्सोनेंट जैसा, तो उसके पहले भी ए ही आएगा, भले शुरुआत में वॉवल आया है कोई लेना देना नहीं, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है कॉन्सोनेंट जैसा, इसलिए हमें वहां पे यूज करना है ये, क्या, ए यूज करना है यहाँ पे। देखिए एग्जाम्पल, अ यूनिवर्सिटी, भले ही यहाँ पे यू आया है
यू आया है, लेकिन वहां पे कॉन्सोनेंट नहीं है यू। आपको लगेगा नहीं तो सर ने बोला है कॉन्सोनेंट है तो हमें ए यूज करना, नहीं, दूसरा रूल हमें ये नहीं बताता, हमें देखना उसका साउंड, उसका प्रोनंसिएशन। अगर भले शुरुआत वोवल सी हुई है लेकिन उसका उच्चार अगर कॉन्सोनेंट जैसा हो रहा है तो हमें ए ही यूज करना है। या फिर देखिये यूनिवर्सिटी, क्या यूनिवर्सिटी, यो यो यूनिवर्सिटी, यो य से उसका शुरुआत हो रहा है प्रोनंसिएशन, इसलिए य का जो उच्चार होता है ना वो वाई जैसा हो रहा है यहाँ पे, और वाई हमें पता है ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल नहीं है, वाई क्या ये कॉन्सोनेंट है, ये वॉवेल नहीं है, इसलिए तो उसके पहले ए आया है। कॉन्सोनेंट जैसा हुआ कि नहीं उच्चार, उसका प्रोनंसिएशन, दैट इज वाई वी यूज ए बिफोर यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अ यूनिफॉर्म, इसका भी सेम वही है, अ यूनिफॉर्म, तो उच्चार भी कॉन्सोनेंट जैसे हो रहा है, भले यू यानी कि वोवेल से शुरू हुआ है लेकिन तो उच्चार कॉन्सोनेंट जैसे हो रहा है, इसलिए अ यूनिफॉर्म यहाँ पे हम ए यूज करते हैं। नेक्स्ट इन द सेम वे, अ यूनियन, अ यूनियन, अ यूनिट, अ यूनिट, अ वन रुपी नोट, यहाँ पे देखिए वन रुपी नोट, ओ आया है वोवेल लेकिन उसका उच्चार कॉन्सोनेंट जैसा हो रहा है, व व व मीन्स इंग्लिश में एक वर्ड है उसके लिए, कौन सा, W, यानी कि उसका उच्चार यहाँ पे W के व जैसा हो रहा है, इसलिए वहां पे कॉन्सोनेंट आता है, कॉन्सोनेंट जैसा उसका उच्चार हो रहा है, प्रोनंसिएशन हो रहा है, इसलिए हमने उसके पहले अ यूज किया है, अ वन रुपी नोट, क्या, अ वन रुपी नोट। ये रूल यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसके बाहर क्वेश्चन भी जाता नहीं और आप बोलते हो इंग्लिश में तो ये आपको सब चीजें पता होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हमें ए का यूज करना है अपने लैंग्वेज में, इसके बाहर कुछ नहीं है फिर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हमें अभी एंड देखते, आई होप आपको ए समझ में आया होगा, ए में दो ही बेसिक रूल है, वो एक तो सिंपल वाला जो हमें कॉन्सोनेंट है तो ए यूज करो, दूसरा है वोवेल से शुरू हुआ है कुछ वर्ड लेकिन उसका उच्चार, उसका साउंड, प्रोनंसिएशन अगर कॉन्सोनेंट जैसा हो रहा है तो भी हमें ए यूज करना है। सेकेंड एंड, अभी एंड का यूज देखते क्या है, एंड में भी सेम दो ही रूल है, पहला बेसिक दूसरा एडवांस, पहला बेसिक दूसरा एडवांस, पहला बेसिक रूल समझते क्या है, एंड इज ऑल्सो वन, एंड का मतलब भी वन ही होता है, एक एंड इज यूज बिफोर सिंगुलर, एंड का यूज करने के लिए भी जो नाउन चाहिए वो कैसा होना चाहिए, सिंगुलर वन, हमने लिया था ना ऑरेंज का एग्जांपल, ऑरेंज कितने थे, वन। अभी आप यहाँ पे समझ जाओगे जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रहा था ना पहले, एंड का आप यूज करना है, अभी यहाँ पे समझ जाओगे आप, देखिए हमारा नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर, वो काउंटेबल भी होना चाहिए, काउंट करने को आना चाहिए, वो जो चीजें हम 1 2 3 4 में काउंट करते हैं ना उसको ही काउंटेबल बोलते हैं, उसके बाद वो वर्ड तो हमें पता ही है कौन सा होना चाहिए, कॉमन नाउन भी होना चाहिए, और दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है उसका उस वर्ड की शुरुआत वोवेल से होनी चाहिए, कौन से, वोवेल से, और हमें पता है देयर आर 5 वोवेल्स इन इंग्लिश, चार दे ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स है, यानी किसी भी वर्ड की शुरुआत अगर वोवेल से हुई है तो उसके पहले हमें यूज करना है एन, क्या यूज करना है, एन, तो लेकिन अभी यहाँ पे रुकेगा नहीं, हमें आगे का एडवांस रूल भी देखना है, कि पहले थोड़ा ये समझते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे दिस इज एन एलिफेंट, एलिफेंट में देखिए ई, यानी ई से शुरू हुआ ये वर्ड, सिंगुलर भी है यानी एक ही एलिफेंट है, एलिफेंट्स नहीं बोला है ना इसलिए एलिफेंट है सिंगुलर, एलिफेंट को हम काउंट कर सकते हैं ना, ये एलिफेंट है, ये दूसरा एलिफेंट है, ये तीसरा एलिफेंट है, यानी कि काउंटेबल भी है और एक कॉमन नाउन भी है, और सबसे बड़ी बात इसकी शुरुआत हो रही ई, और ई क्या है, ए वोवेल, इसकी वजह से उसके पहले क्या आया है, एंड, सिंपल रूल है, जिस वर्ड की शुरुआत वोवेल से होती है ए ई आई ओ यू, इसमें से किसी भी एक लेटर से होती है उसके पहले हम यूज करेंगे एन, इसलिए तो हमने एक के पहले भी एन एग बोला था, आया समझ में, अभी यहाँ पे देखिए दिस इज एन एलिफेंट, क्या है, एक एलिफेंट है, दिस इज एन एलिफेंट। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही गेव मी एन एप्पल, एप्पल की शुरुआत भी हुई है ए से और ए भी क्या है, वोवेल, दैट इज व्हाई एन इज यूज हियर, की वजह से हमने यहाँ पे एन यूज किया है, ही गेव मी एन एप्पल, उसने मुझे एक एप्पल दिया है ना। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात वही फिर से एन का एडवांस रूल, हमें सिर्फ यहां पे नहीं रुकने, अभी
इस पे रुकेंगे तो गलतियां जरूर होगी, वो तो हमें गलतियां अवॉइड करनी है, इसलिए हमें सेकंड रूल भी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रूल। देखिए जैसे कि हमने ए वाला देखा था ना, वो प्रोनाउंसिएशन वाला, एन का भी उसका उल्टा है, अपोजिट। देखिए एन इज यूज बिफोर सिंगुलर काउंटेबल कॉमन नाउन, ये तो रूल सब जगह लागू ही है, ए और एन के लिए सेम। बट ऐसे वर्ड है जिनकी शुरुआत हो रही है कॉन्सनेंट, ऐसे हो रही है कॉन्सनेंट बट साउंडिंग लाइक वॉवेल, बट साउंडिंग लाइक वॉवेल एंड सेम वैसे ही। यानी कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं इंग्लिश में जिनकी शुरुआत कॉन्सनेंट से हुई है, कैसे कॉन्सनेंट से हुई है, लेकिन हम उसके उसके पहले उसका उच्चार, उसका प्रोनाउंसिएशन ये जो होता है ये वॉवेल जैसा होता है, इसकी वजह से हम उसके पहले एन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एन, क्योंकि भले उनकी शुरुआत कॉन्सनेंट से हुई है तो उच्चार जो है वो वॉवेल जैसा है। एग्जाम्पल देखिए, ऑनेस्ट, क्या है? ऑनेस्ट, नॉट हॉनेस्ट, इट्स ऑनेस्ट, एच इज साइलेंट, इसकी वजह से उस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ऑनेस्ट हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑनेस्ट, ओ, ओ से हो रहा है, और अ मीन्स व्हाट? ए, और ए क्या है? वॉवेल, और इसकी वजह से यहां पे आता है एन, एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। देखिए दूसरा, एन आर, एन आर, या फिर आवर भी उसको बोल सकते हैं आप, एन आवर या फिर एन आर, आवर नहीं है, इट्स नॉट हावर, इट्स आवर, या फिर आर उसको हम बोल सकते हैं, यानी कि उसका उच्चार यहां पर भी ए जैसा हो रहा है, इसको इसे एन आर। तीसरा, एन ऑनर, इट्स नॉट हॉनर, इट्स ऑनर, ऑनर, यानी कि उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो अ जैसा हो रहा है, इसकी वजह से हम यहाँ पे एन यूज करते हैं, एन ऑनर। उसके बाद ये देखिए कुछ वर्ड होते हैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म्स, एम बी ए, एम बी ए, तो हम अलग से प्रोनाउंस करेंगे एम, शुरुआत ए से हुई है, एम एम एम, इसको इसे हम यहाँ पे यूज करते हैं एन, एन एम बी ए, एन एम बी बी एस, एन एम एल ए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये एन एम पी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना। यानी कि ऐसे जो कुछ वर्ड होते हैं एम एस एन, ऐसे वर्ड के पहले भी अगर ऐसे शॉर्ट फॉर्म में आते तो उसके पहले भी डेफिनेटली एन आएगा, क्योंकि उसका उच्चार वॉवेल जैसा हो रहा है, भले शुरुआत में देखिए ये कॉन्सोनेंट है, ये कॉन्सोनेंट है, और ये भी कॉन्सोनेंट है, और ये भी कॉन्सोनेंट है, तो उसका उच्चार वॉवेल जैसा हो रहा है, इसलिए हमें यूज करना है एन। आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा अभी, ए कहाँ पे यूज करना है और एन कहाँ पे यूज करना है, और हमारा जो फोकस रहना चाहिए वो सेकंड रूल पे होना चाहिए, ए के भी सेकंड रूल और एन का भी सेकंड रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी पता होना चाहिए वॉवेल कौन से, ए ई आई ओ यू, डिपेंडिंग अपॉन दिस आपको प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से आपको आर्टिकल यूज करना है इनडेफिनेट, ए और एन दोनों में से कोई भी एक यूज करो, जो वर्ड है उसके हिसाब से, दोनों का हम क्या बोलते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल, और दोनों का मीनिंग ही सेम है, दोनों का मीनिंग क्या है वन, दोनों का मीनिंग है वन, यानी कि एक, आया समझ में आपको? ठीक है, दिस ऑल अबाउट यूज ऑफ ए और एन, ये दोनों यूज का इतना बेसिक इंफॉर्मेशन है। ठीक है, अभी ए और एन यूज करना कहाँ पे है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके पहले ये भी थोड़ा समझते हैं कि ये जनरली डिफरेंट आर्टिकल है, यूज कहाँ पे, यूज का जो डिफरेंट आर्टिकल है वो क्या होता है। अभी हमने इनडिफरेंट आर्टिकल तो देख लिया, ए और एन ये होता क्या है, कहाँ पे यूज करते हैं, उस दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों में ए का क्या है और एन का मतलब क्या है, ये सब हमें थोड़ा समझ लिया है। अभी थोड़ा देखते हैं दो क्या है ये, ठीक है, या फिर देखिए अभी डेफिनेट आर्टिकल्स, तो डेफिनेट यानी कि जब भी हमें कोई पर्टिकुलर होती है, फिक्स होती है, उसको हम बोलते हैं डेफिनेट, क्या बोलते हैं उसको, डेफिनेट। जब भी हम द यूज करेंगे इसका मतलब होता है पर्टिकुलर चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमें पता है या फिर कोई चीज फिक्स है के बारे में जब बात करनी है तो आएगा द। ठीक है, डेफिनेशन पहले समझते, देखो द इज यूज बिफोर, ये द का भी यूज देखिए क्या है, द के लिए भी वर्ड कैसा चाहिए, सिंगुलर चाहिए, प्लूरल भी चाहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे द के लिए नाउन जो है वो दोनों हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन इनडेफिनेट में ए और एन में सिर्फ हमें चाहिए सिंगुलर, प्लूरल नहीं चाहिए। दूसरा, द
हमें कॉमन नाउन तो चाहिए ही चाहिए, हाँ सिंगुलर हो या प्लूरल कॉमन नाउन चाहिए। दूसरा विच इज स्पेसिफिक, कैसा होना चाहिए नाउन, स्पेसिफिक होना चाहिए तभी उसके पहले हम तो ये आर्टिकल है यूज कर पाएंगे। यानी अभी जो हमारा कॉमन नाउन है वो सिंगुलर भी चलेगा प्लूरल भी चलेगा, दोनों के लिए दो। नेक्स्ट रूल, कॉमन नाउन कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। हमारा जो द है वो काउंटेबल के नाउन के पहले भी आएगा और अनकाउंटेबल के नाउन अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी आएगा। देखिए लेकिन इन डिफरेंट आर्टिकल जो है ए और एन वो सिर्फ काउंटेबल के पहले ही आता है, अनकाउंटेबल के नहीं। ठीक है, क्योंकि हम अनकाउंटेबल कोई भी एक नाउन होता है जिसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, पीसेस में हम नहीं उसको बांट सकते, इसलिए ए और एन हमेशा काउंटेबल के पहले ही आता है, अनकाउंटेबल के पहले नहीं आता है। लेकिन द जो है काउंटेबल के पहले भी आता है और अनकाउंटेबल के पहले भी आता है। ठीक है, ये दूसरा रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर थिंग और अ पर्टिकुलर पर्सन। द क्या स्पेसिफिक करता है, क्या इंडिकेट करता है, स्पेसिफिक पर्सन कोई एक स्पेसिफिक आदमी, पर्टिकुलर आदमी और पर्टिकुलर थिंग्स या फिर स्पेसिफिक थिंग्स के पहले द आएगा। ठीक है, अभी द का यूज देखिए क्या क्या होता है, हमें देखने अभी द के यूज देखने हैं। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट रूल द का आप यूज करना है, क्या हमने ए और एन देखा ना, इन द सेम वे हमें अभी द भी देखना है। पहला रूल, फर्स्ट रूल, द इज यूज व्हेन द लिसनर नोज व्हाट द स्पीकर इज टॉकिंग अबाउट। जब सामने वाला जो सुन रहा है इसको अगर जब पता है कि स्पीकर क्या बोल रहा है तो आप द का इस्तेमाल कर सकते हो। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर शी स्पोक टू एट द एग्जीबिशन वॉज वेरी रूड। यानी जो ऐसा टीचर जो हमें पता है पहले से वो कहां पे मिला था, एग्जीबिशन में, और हमें वो बोला था। यानी उस टीचर की हम बात कर रहे हैं जो एग्जीबिशन में मिले हैं और उन्होंने हमसे बात की है। बाकी तो बहुत सारे टीचर है लेकिन हम बाकी सब टीचर में से सिर्फ वही टीचर जिनसे हमें बात की, कहां पे, एग्जीबिशन में, इसलिए हम उसको स्पेसिफिक कर रहे हैं, पर्टिकुलर कर रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे आया है द। कोई भी टीचर नहीं, सिर्फ वही टीचर जो हमें बात किया है एग्जीबिशन, आए समझ में। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ही लॉस्ट ऑल द मनी बोरोड फ्रॉम द लेंडर। ही लॉस्ट ऑल द मनी, अरे पैसे तो बहुत है, लेकिन कौन से पैसे हारा है वो ऐसे ही पैसे जो लेंडर से लिए ना, सिर्फ वही पैसे हारा है, बाकी के पैसे एज इट इज है, उसका फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन ऐसे पैसे हारा है जो सिर्फ लेंडर से लिए है, इसलिए मनी को हमने स्पेसिफिक कर दिया है, पर्टिकुलर कर दिया है, इसलिए यहाँ पे आया है द। फर्स्ट रूल, यानी कि जो चीजों के बारे में ऑलरेडी पता है, बता के रखा है, उसके पहले डेफिनेटली द आएगा, क्योंकि हम उसको पर्टिकुलर करते हैं, स्पेसिफिक करते हैं, इसकी वजह से। सेकंड रूल देखिए, द इज यूज्ड टू जनरलाइज द होल क्लास और ग्रुप। जब भी हमें किसी कैटेगरी या फिर किसी आदमी या फिर बहुत सारे आदमी या फिर बहुत सारी चीजों के बारे में कॉमनली बात करना है, कॉमनली अगर मुझे सिर्फ बोलना है डॉग, मैं एक डॉग की नहीं पूरे दुनिया में जितने भी डॉग है ना, अगर मुझे सब डॉग की बात करनी है या फिर हॉर्स है घोड़ा, जब मुझे पूरे दुनिया में जितने भी हॉर्स है सब की बात करनी है, तब उसको बोलते हैं टू जनरलाइज ग्रुप और क्लास। जब मैं पूरे कोई भी चीज एक नाउन पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है तो उसको बोलते हैं जनरलाइज करना। जब हम ऐसे नाउन यूज करते तो इसका मतलब उनके पूरे कैटेगरी पूरे ग्रुप के बारे में बोलते, तो इसके पहले क्या आता है, उसके पहले भी द ये आर्टिकल आता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, द ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड, जो ईमानदार लोग होते हैं उनका हमेशा रिस्पेक्ट किया जाता है। द ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड, ऑनेस्ट कौन से, दुनिया में जितने भी ऑनेस्ट लोग है सबके बारे में बोल रहा हूं मैं, यानी कि ऑनेस्ट वर्ड ऑनेस्ट रिप्रेजेंट ऑल द ऑनेस्ट पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड, दुनिया में जितने भी ऑनेस्ट लोग है सबको ये रिप्रेजेंट करता है जब उसके पहले हम द यूज करते हैं तो। ठीक है, दूसरा, द बेकर्स आर नॉट ऑलवेज नीडी, कौन से बेकर की बात कर रहे हैं हम, द बेकर उसका यूज क्या, उसका मतलब ये है ये पूरा उसकी कैटेगरी, उसका पूरा कम्युनिटी दिखाता है, कम्युनिटी उसका पूरा क्लास दिखाता है, यानी कि दुनिया में जितने भी बेकर है हम सबके बारे में बात कर रहे हैं, एक बेगर के नहीं सब बेगर के बारे में बात कर रहे हैं। तीसरा, द डॉग, जब हम द डॉग बोलेंगे ना
मतलब बताया, दुनिया में जितने भी डॉग है ना सबके बारे में बात कर रहे हैं हम। द डॉग इज एन ऑनेस्ट एनिमल। अरे डॉग कैसा है? ईमानदार जानवर है। एक गांव का नहीं और एक कुत्ता नहीं, दुनिया में जितने भी कुत्ते होते वो सब ईमानदार बोले जाते। इसलिए द डॉग इज एन ऑनेस्ट एनिमल। हम सब कुत्तों की, सब डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। तभी उसके पहले द था, और आपको समझ में आया होगा। पहला रूल क्या है द का? जो चीजें हम जनरलाइज करते हैं, जो पहले हमें पता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उसके पहले हमेशा द आएगा। दूसरा, जो पूरे हम ग्रुप के क्लास के बारे में बात कर रहे हैं ना, और सबके बारे में जब हम बोलना है ना, तो उनके पहले हमेशा उस नाउन के पहले हमेशा द यूज होता है। अगर द रिच बोलेंगे तो दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं हम उनके बारे में बोल रहे हैं। द टीचर बोल रहे तो दुनिया में जितने भी टीचर है ना सबके बारे में बोल रहे हैं। अगर द स्टूडेंट बोल रहे तो दुनिया में जितने भी स्टूडेंट है हम सबकी बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा आपको? दिस इज द इंपॉर्टेंट रूल ऑफ द। नाउ लेट अस मूव टू सेकंड थर्ड रूल। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट दोज आर ओनली वन इन द वर्ल्ड। ऐसे नाउन के पहले भी द यूज करना है जो दुनिया में यूनिक है, एक ही है और दूसरा कोई है ही नहीं, उसके पहले भी द यूज होता है। इट शुड बी ओनली वन। फॉर एग्जाम्पल, गेटवे ऑफ इंडिया। दुनिया में गेटवे ऑफ इंडिया जो है एक ही है, इस वजह से उसके पहले द स्पेसिफिक है ना ये, इसकी वजह से। दूसरा, दुनिया में ताजमहल एक ही है, इसकी वजह से द ताजमहल। थर्ड, रेड फोर्ट दिल्ली का लाल किला, वो भी दुनिया में एक ही है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे द यूज किया है। नेक्स्ट, व्हाइट हाउस अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो घर है हाउस, उसको व्हाइट हाउस बोलते हैं, वो भी दुनिया में एक ही है, इसकी वजह से द व्हाइट हाउस। यानी दुनिया में जितने भी यूनिक चीजें हैं उसके पहले द आता ही है। नेक्स्ट रूल, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ द प्लैनेट एंड स्टार। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमेशा जितने भी स्टार होते हैं, जितने भी प्लैनेट होते हैं, उनके नाम के पहले हमेशा द यूज होता है। देखिए एग्जाम्पल, सन ये क्या है? हमारा नजदीकी स्टार है, सबसे सबसे नजदीक वाला स्टार है, इसलिए द स्टार। मून क्या है? ये सैटेलाइट हमारा, द मून। स्टार्स, द स्टार्स। अर्थ हमारा प्लेनेट है, द अर्थ। द मिल्की वे गैलेक्सी हमारी, तो जैसे द मिल्की वे। समझ में आ रहा है? यानी इनके पहले भी हम द यूज करते हैं। दिस इज अ फोर्थ रूल। आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। हाँ ठीक है। नेक्स्ट रूल, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ द ओशियंस। बड़े बड़े जो समुंदर होते हैं ना, उनके नाम के पहले हमेशा द यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द अरेबियन सी। अरेबियन सी है ना हमारे इंडिया में, इंडिया के पास, तो हमारे वेस्टर्न साइड में, पश्चिम दिशा में, तो उसको बोलते हैं हम अरेबियन सी। वो एक सी है, इसकी वजह से द अरेबियन सी। नेक्स्ट, द इंडियन ओशियन, द हिंद महासागर उसको हम बोलते हैं, द इंडियन ओशियन। द के महासागर ओशियन है। अटलांटिक ओशियन के पहले भी द, क्योंकि ये भी महासागर है, द अटलांटिक ओशियन। के बाद सबसे बड़ा ओशियन है द पैसिफिक ओशियन है, इसकी वजह से उसके पहले भी क्या आता है? द आता है। ये हमारा नेक्स्ट रूल था। यानी कि जो भी ओशियन है उसके जो नाम होगा उसके पहले आपको हमेशा द यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट रूल, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ द रेंज ऑफ माउंटेन। यहाँ पे कंफ्यूजन होता है बहुत सारे बच्चों का। यहाँ पे ठीक से और केयरफुली आप एक बात समझिएगा, मैंने क्या बोला है? द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रेंज ऑफ माउंटेन, इट्स नॉट माउंटेन, रेंज ऑफ माउंटेन। यानी आपको द कहाँ पे यूज करना है? एक माउंटेन के नाम के पहले नहीं, वो माउंटेन की रेंज होनी चाहिए, बहुत बड़ी श्रृंखला होनी चाहिए, उस श्रृंखला के लिए ही आप द का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हिमालय, हिमालय कोई एक पर्वत नहीं है, वो बहुत बड़ी पर्वतों की श्रृंखला है, इसलिए हम क्या बोलते हैं? द हिमालय। क्या बोलते हैं? द हिमालय। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक एक्सेप्शन बता देता हूं। अगर हम माउंट एवरेस्ट की बात कर रहे हैं, माउंट एवरेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं, उसके पहले द आर्टिकल और कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन ही है। पहली बात, हमारा रूल क्या था? हम आर्टिकल सिर्फ कॉमन नाउन के पहले ही यूज करते हैं।
लेकिन ये तो प्रॉपर नाउन हो गया, इसकी वजह से यहां पे आर्टिकल हम नहीं यूज करते। लेकिन अगर द के बारे में बात करेंगे कि देखो हमने क्या बोला है, वो माउंटेन्स की श्रृंखला होनी चाहिए, लाइन होनी चाहिए बड़ी, क्यू होनी चाहिए बड़ी, रेंज होनी चाहिए बड़ी, तभी तो उसके पहले हम द यूज करेंगे। लेकिन हिमालय का एक सिंगल पर्वत है, उसका नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट, इसलिए ये एक ही पर्वत है, ये श्रृंखला नहीं है, की वजह से उसके पहले हमेशा द यूज नहीं होता है, ये बात याद रखनी है। लेकिन हिमालय क्या है, ये बहुत बड़ी श्रृंखला है, इसकी वजह से द हिमालय। नेक्स्ट, वेस्टर्न घाट में है सह्याद्री, जो महाराष्ट्र में उसको सह्याद्री बोलते हैं, वेस्टर्न घाट को, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी श्रृंखला है पर्वत की, इसलिए द सह्याद्री। द विंध्या, ये विंध्या कोई सिंगल पर्वत नहीं है, सिंगल माउंटेन नहीं है, ये बहुत बड़ी श्रृंखला है पर्वत की, इसलिए द विंध्या। और नेक्स्ट आता है सातपुरा, सातपुरा भी क्या है, एक बहुत बड़ा श्रृंखला है पर्वत का, इंडिया के एकदम सेंटर में आता है, ईस्टर्न वेस्टर्न साइड में ऐसा फैला हुआ है, ईस्ट टू वेस्ट में, तो उसको भी हम एक श्रृंखला होने के कारण द सातपुरा बोलेंगे, ये बहुत बड़ी श्रृंखला है। ये रूल आपको यहाँ पे समझ में आया होगा, हमें सिर्फ एक पर्वत के नाम पे पहले कभी भी नहीं यूज कर, फॉर एग्जाम्पल द गुरु शिखर नाइन, द अबू, द माउंट अबू, नहीं ये रॉन्ग होगा। द अरवली आप बोल सकते हो, द अरवली, क्योंकि अरवली की बहुत बड़ी श्रृंखला है, इस वजह से, ठीक है, आई होप सो, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखते हैं अभी, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, ये भी आपको समझना बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब भी कोई नदी होती है और उसका नाम होता है, उस नाम के पहले हमेशा द आता है, कोई भी नदी हो, फिर हर एक नदी के नाम के पहले द आता है। हम अभी यहाँ पे फेमस रिवर्स लेते हैं, गंगा, द गंगा नदी का नाम है, द नाइल की सबसे बड़ी लंबी लंबी नदी नाइल, इसलिए द नाइल, अमेजॉन सबसे चौड़ी नदी, द अमेजॉन, गोदावरी साउथ इंडिया की गंगा उसको बोलते हैं हम द गोदावरी, द सतलज ये हमारे नॉर्थ साइड में जम्मू कश्मीर साइड में सतलज, इसलिए कोई भी रिवर का नाम होगा, नदी का नाम होगा, तो उसके पहले हमेशा द आएगा, ये बात हमें याद रखनी है। नेक्स्ट, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन, ये भी बहुत बड़ी बात है, हमें लगभग हमारे आठ दिशाएं होती है, आठ के आठ जो दिशा है हमारे, हमें उनके जो डायरेक्शन के नाम होते हैं वो हमें पता होनी चाहिए, और ईस्टर्न वेस्टर्न, ईस्ट वेस्ट, साउथ नॉर्थ, बीच वाले सब चार, हर एक डायरेक्शन जब हम बताते हैं ना इंग्लिश में, तो उनके पहले हमेशा द आता है। देखिए यहाँ पे द ईस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, द वेस्ट एटसेट्रा, हर एक दिशा के जब आप नाम बताते हो ना या फिर लिखते हो ना, तो उसके पहले हमेशा आएगा द आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द इज यूज बिफोर द, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स, होली बुक्स यानी हमारे जो पवित्र किताबें हैं, वो सब के नाम के पहले द यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द महाभारता, द गीता, ये बड़े बड़े किताबें हैं हमारी जो पवित्र ग्रंथ है हमारे, द गीता, द रामायण, द महाभारता, द बाइबल, द कुरान एटसेट्रा, दीज आर द नेम्स ऑफ होली बुक्स, और उनके पहले हमेशा द आएगा, क्योंकि ये यूनिक है ना, इसकी वजह से द आता है। नेक्स्ट रूल देखिए, द इज यूज बिफोर द ऑर्डिनल नंबर्स, आपको कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स पता होने चाहिए, कार्डिनल नंबर्स एंड ऑर्डिनल नंबर्स आपको पता होने चाहिए। कार्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, जो हम बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये होते हैं कार्डिनल नंबर्स, क्या उल्टा आता है ऑर्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, थोड़ा बताने का तरीका अलग होता है, इसलिए उसको ऑर्डिनल नंबर्स बोलते हैं। जैसे कि फर्स्ट, वन नहीं यार, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे नाम वर्ड्स को बोलते हैं हम जनरली, नाउन को बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, और ऑर्डिनल नंबर्स के पहले हमेशा द आता है। यहाँ पे देखिए, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, यानी ये सब क्या है, ऑर्डिनल नंबर्स। पहले देखिए, क्रिकेट का एक स्टार पे एक प्रोग्राम चलता था, जब भी क्रिकेट शुरू होता था, पहले मैचेस, किसी भी मैच, इंडिया वर्सेज कोई भी देश, जब मैचेस चलते थे ना, तो टीवी पर पहले एक प्रोग्राम आता था, कौन सा, द फोर्थ अंपायर, वो शायद बोल सकते थे ना ऐसा, फोर्थ अंपायर, लेकिन वो क्या बोलते हैं, द फोर्थ अंपायर, क्योंकि फोर्थ जो वर्ड है ना, ये क्या है, ऑर्डिनल नंबर, दैट इज वाई द इस आर्टिकल कम्स बिफोर ऑर्डिनल नंबर, द फोर्थ अंपायर, द वे ऑफ यूजिंग द।
फॉर ऑर्डिनल नंबर। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ठीक है, लेट अस मूव टू नेक्स्ट यूजेस। द इज यूज बिफोर द सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स, ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव आपको पता होना चाहिए। आपने डिग्री ऑफ कंपैरिजन सुना होगा, उसका भी वीडियो हम जल्दी लेकर आएंगे, हाँ डोंट वरी, जल्दी हम डिग्री भी सीखेंगे, काफी डिटेल में डिग्री सीखेंगे। शायद आपको कभी किसी ने इतनी डिटेल में नहीं पढ़ाई होगी और इतनी इजी तरीके से नहीं पढ़ाई होगी, इतने हम इजी से हम पढ़ेंगे डिग्रीज। डिग्री के जनरल तीन टाइप है, एक पॉजिटिव डिग्री, दूसरा कंपैरेटिव डिग्री और तीसरा होता है सुपरलेटिव डिग्री। डिग्री हम जनरल यूज करते हैं एडजेक्टिव, क्या यूज करते हैं हम एडजेक्टिव। पॉजिटिव डिग्री में हम एज एडजेक्टिव एज यूज करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं उस एडजेक्टिव को हम ईआर लगाते हैं और उसके बाद देन यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ग्रेट, ग्रेटर, स्मार्ट, स्मार्टर, लॉन्ग, लॉन्गर, इस प्रकार से। और तीसरा आता है सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, हम जनरली एडजेक्टिव को ईएसटी लगाते हैं। क्या लगाते हैं एडजेक्टिव को? ईएसटी। स्ट्रॉन्ग का क्या होगा? स्ट्रॉन्गेस्ट। ग्रेट का क्या होगा? ग्रेटेस्ट। लॉन्ग का क्या होगा? लॉन्गेस्ट। स्मार्ट का क्या होगा? स्मार्टेस्ट। ऐसे इनको क्या बोलते हैं हम जनरली? सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, सुपरलेटिव डिग्री। और जिनको ईएसटी नहीं लगता उस एडजेक्टिव के पहले क्या आता है? मोस्ट आता है। क्या आता है? मोस्ट। इसको भी हम क्या बोलते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। क्या बोलते हैं? सुपरलेटिव डिग्री। और ये हमारा रूल यहाँ पे याद रखने आपको हमेशा, जब भी हम इंग्लिश में सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते बोलते समय या लिखते समय, तो उस सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले हमेशा द आता है, ये याद रखना है। देखिए यहां पे द ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव है ना, ये इसलिए द, द ग्रेटेस्ट, द क्लेवरेस्ट, द क्लेवरेस्ट, द स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, द लॉन्गेस्ट, द मोस्ट, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है। यानी कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव के पहले हमेशा द आता है, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट रूल, विल मूव टू नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल इज द इज यूज बिफोर द राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। ये साइड होती ना हमारी, राइट और लेफ्ट साइड, उसके पहले भी द आता है। द राइट साइड, द लेफ्ट साइड, द लेफ्ट साइड, द राइट साइड। जब भी हमें राइट और लेफ्ट साइड बतानी है उसके पहले हमेशा राइट द आएगा, द लेफ्ट एंड द राइट एटसेट्रा। नेक्स्ट रूल, द इज यूज बिफोर द कॉमन नाउन व्हेन दिस कॉमन नाउन इज मेंशन अगेन एंड अगेन। जब एक पैराग्राफ में, एक दो तीन सेंटेंस में कंटिन्यूसली एक कॉमन नाउन बार 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 आ रहा है, तो वो जब हम नेक्स्ट टाइम पहला सेंटेंस छोड़ के जब सेकेंड सेंटेंस से बार बार अगर उस कॉमन नाउन की हम बात कर रहे हैं ना, तो उस कॉमन नाउन के पहले हमेशा द यूज होता है। क्या यूज होता है? द यूज होता है। यहाँ पे देखिए, मोनिका लव्स अ काउ। मोनिका को क्या पसंद है? अ काउ। यहाँ पे पहला सेंटेंस है, कौन सी काउ हमें पता नहीं, हमने इसको जनरल रखा है इसलिए अ काउ। लेकिन अभी वही काउ की बात कर रहे हैं हम जो काउ मोनिका मैडम को पसंद है। कौन सी काउ? जो मोनिका मैडम को काउ पसंद है, उस काउ के बारे में अभी नेक्स्ट सेंटेंस से हम बात करने वाले लगातार, इसकी वजह से यहाँ पे द काउ। तो अभी हमने जनरल से कहाँ पे कन्वर्ट किया है, कैसे, कहीं पे फिक्स कर दिया, उसको स्पेसिफिक कर दिया है, इसकी वजह से यहाँ पे लिखा है हमने द काउ। मोनिका लव्स अ काउ, द काउ इज वेरी यूजफुल। कौन सी काउ यूजफुल है? उसके पास जो काउ हुए वो यूजफुल। नेक्स्ट रूल, द इज यूज बिफोर द सरनेम टू रेफर द फैमिली ऑफ दैट सरनेम। जब भी हम सरनेम, कोई भी किसी का भी सरनेम होगा, उसके पहले अगर हम द यूज करेंगे तो हम पर्टिकुलरली उस फैमिली में जितने भी मेंबर रहते उन सबको रेफर करते, उन सबके बारे में बोलते। अगर हम बोलेंगे द खन्ना, द खन्ना का मतलब होता है सिर्फ खन्ना फैमिली का एक आदमी नहीं, पूरा खानदान, खन्ना फैमिली का जितने उसके फैमिली में मेंबर हैं हम सबके बारे में बोलते हैं। तो जब हमें सबके बारे में बात करना है तब उसके पहले आएगा द। देखिए यहाँ पे द पटेल, द पटेल का मतलब क्या होता है? पटेल फैमिली में जितने भी लोग हैं हम सबके बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट द वर्मा, द वर्मा मीन्स व्हाट? वर्मा फैमिली में जितने भी मेंबर हैं सब मेंबर की बात कर रहे हैं। द गांधी, गांधी यानी कि क्या? गांधी फैमिली में जितने भी लोग हैं हम सब मेंबर की बात कर रहे हैं, इसलिए द गांधी, ऑल अबाउट द। यानी एक द का एक रूल है यह जो आपको याद रखना पड़ेगा।
अभी जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पे आपका कंफ्यूजन होता ज्यादा, शायद किसी ने अभी आपको बताया भी नहीं होगा ये कहा क्या है। हम पहले से बोलते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं आपको, आर्टिकल जो होता है हमेशा कॉमन नाउन के पहले यूज होता है, इसके पहले कॉमन नाउन के पहले यूज होता है। और मैंने आपको ये भी बोला था कॉमन जो प्रॉपर नाउन होता है यानी कि स्पेसिफिक किसी चीज को, आदमी को या फिर किसी थिंग्स को दिया हुआ जो नाम रहता है पर्टिकुलरली, उसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। और आर्टिकल कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले नहीं आता है, ये बात हमें समझनी है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला था जब हमने वीडियो शुरू किया था, जब हमने पढ़ाना स्टार्ट किया था, तब तो आपको मैंने बताया था एक एक्सेप्शन है जहां पे हम प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल यूज कर सकते हैं, वो कौन सा, द। वो रूल अभी यहां पे है, वो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रूल। द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ प्रॉपर नाउन। अरे हम द जो है ना वो प्रॉपर नाउन के पहले भी यूज करेंगे, लेकिन कब, वेन दिस प्रॉपर नाउन इज यूज एज अ कॉमन नाउन, वेन दिस प्रॉपर नाउन इज यूज एज अ कॉमन नाउन, यानी कि जब हम प्रॉपर नाउन का यूज कॉमन नाउन जैसे करेंगे, कंपैरिजन करने के लिए करेंगे, तो उसका यूज होता है कॉमन नाउन जैसा, तब आप उस प्रॉपर नाउन के पहले द यूज कर सकते हो, द यूज कर सकते हो। यहां पे देखिए अभी एग्जांपल, ही इज द सलमान खान ऑफ अवर स्कूल। हमने क्या किया, हमारे स्कूल में एक लड़का है, उसका कंपैरिजन सलमान खान के साथ किया है, और जिसके साथ कंपैरिजन किया जाता है उस नाउन, वो जो प्रॉपर नाउन रहता है वो बनता है अभी कॉमन नाउन, क्योंकि हम उसकी कंपैरिजन कर रहे हैं उसके साथ, तो इसे कॉमन नाउन बनता है, इसकी वजह से यहाँ पे द आता है। लड़की की कंपैरिजन किसके साथ की है, सलमान खान के साथ, इसलिए सलमान खान अभी जो प्रॉपर नाउन था वो बन गया अभी कॉमन नाउन, की वजह से यहाँ पे द आता है, कि द सलमान खान ऑफ स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, कालिदासा हमारे बहुत बड़े ड्रामेटिस्ट है, अच्छे अच्छे नाटक लिखे, अच्छे अच्छे ड्रामा लिखे उन्होंने बहुत सारे, बढ़िया बढ़िया, ठीक है, इसलिए उनको इंडिया का शेक्सपियर बोलते हैं, क्योंकि शेक्सपियर जो इंग्लैंड में रहता है उसने बहुत अच्छे ड्रामा लिखे, ठीक है, उसी टाइप के ड्रामा कालिदास जी ने भी लिखे, उनको क्या बोलते हैं, कालिदासा इज कॉल्ड द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, यानी कालिदास जी की कंपैरिजन किसके साथ की है, शेक्सपियर के साथ की है, साथ शेक्सपियर, यानी कि अभी ये प्रॉपर नाउन जो हो गया वो तो कन्वर्ट हो गया कॉमन नाउन में, इसमें कॉमन नाउन में, इसकी वजह से यहाँ पे द आया है। समझ में, जरा देखिए एग्जांपल, कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट। कैमल क्या है, डेजर्ट का क्या बोलते हैं उसको, शीप बोलते हैं, यानी कैमल का किसके साथ कंपैरिजन किया है, शीप के साथ, इसकी वजह से अभी ये शीप जो है ना ये बन गया कॉमन नाउन, इसलिए इसके पहले आया है द, कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट, कैमल इज द शीप ऑफ डेजर्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट रूल दैट यू हैव टू रिमेंबर। ओके, गो टू नेक्स्ट रूल, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ द पीपल ऑफ पर्टिकुलर नेशन और स्टेट। जब भी किसी देश या फिर राज्य के जो लोग होते हैं उन लोगों के बारे में हम कुछ बोलना है, तो लोगों के लिए उसको नाम, उनके लोगों के नाम के लिए, नाम से पहले हम जनरली द आर्टिकल, जब हम उन लोगों के लिए द आर्टिकल यूज करेंगे उसका मतलब क्या होता है, कि उस राज्य के, उस देश के पूरे लोग, सब लोग। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, द इंडियन, द इंडिया नहीं बोल रहा हूं मैं, द इंडियन यानी इंडिया में रहने वाले जितने भी भाई बहन है सब। बात द अमेरिकन, अमेरिकन मीन्स व्हाट, अमेरिका में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब, द अमेरिकन। द गुजराती एटसेट्रा, गुजराती यानी कि गुजराती स्टेट है, स्टेट में जितने भी भाई बहन रहते हैं वो सबको क्या बोलेंगे हम, द गुजराती, ठीक है, ये भी एक रूल है जो हमें याद रखना है, यानी किसी भी स्टेट के या फिर देश के लोग जो होते हैं उसको बताने के लिए के नाम से पहले हम द जरूर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, गलतियां होती यहाँ पे सॉरी, हम चलो ठीक समझ गए कि भाई आर्टिकल यूज करना कहाँ पे, ये द जो है ना सबसे भयानक और सबसे डेंजर है, दिखता एक ही है, सबसे ज्यादा गलतियां होती है द एप्लीकेशन और यूज ऑफ द के यूज करने में सबसे बड़ी गलतियां होती है। हम तो अभी तक सीख गए द यूज करना कहां पे,
द कहां पे यूज नहीं करना ये भी समझना बहुत ही, सिर्फ द नहीं दूसरे ए और एन आर्टिकल भी कहां कहां पे यूज नहीं करने, यानी कि आर्टिकल ही यूज नहीं करने, ऐसे भी कुछ रूल्स हमें पता होने चाहिए। ऐसे भी कुछ कॉमन नाउन है जिनके पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है और आर्टिकल यूज करना ही नहीं चाहिए हमें, वो हम अभी देखेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने हेडिंग दिया है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट आर्टिकल्स। क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट आर्टिकल्स? क्या कि जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है ना, यूपीएससी, क्विज स्टेट, पीसीएस वगैरह, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी पे होते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं आपको और मजबूर कर देते हैं आर्टिकल यूज करने में, लेकिन हमें पता ही नहीं होता उस वर्ड के पहले आर्टिकल यूज करना ही नहीं था, हम करते हैं वहां पे आर्टिकल यूज और हमारा वहां पे कॉमन एरर्स बन जाता है। समझ में आ रहा आपको? इसलिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल नंबर वन, एन आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर प्रॉपर नाउन, ये ऑलरेडी हमें पता है, कभी भी प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है, एक एक्सेप्शन छोड़ के, तो हमने अभी देखा है जब प्रॉपर नाउन हम उसको कॉमन नाउन बनाते हैं तब हम यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है, ये बात हमें याद रखनी है। दूसरा, एन आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ स्पोर्ट, गेम्स, की गेम्स के नाम होते हैं ना, उसके पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, हॉलीबॉल, फुटबॉल, कभी भी ए एंड कुछ भी यूज नहीं होता है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट, एन आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रोड, कोई भी रोड के नाम के पहले आर्टिकल यूज नहीं होता है, बिकॉज वो रोड का नाम जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है, ए, उसके पहले कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, एम जी रोड, महात्मा गांधी रोड, लोकमान्य तिलक रोड, ऐसा कभी नहीं होता है, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट, एन आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ डिसीज, कोई भी डिसीज हो, कोई भी डिसीज, फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरक्यूलिस, कैंसर एटसेट्रा, उनके नाम के पहले कभी भी दर्ज यूज नहीं होता है, द ट्यूबरक्यूलिस, द कैंसर, हम ऐसा कभी नहीं बोल सकते, कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है डिसीज के नाम के पहले, बात याद रखनी है। नेक्स्ट, एन आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ मील टाइम, जो हमारे खाने का टाइम होते हैं ना, कौन से होते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके पहले भी कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, ये बात याद रखो, द लंच, द ब्रेकफास्ट और द डिनर, हम कभी भी ऐसा नहीं बोल सकते। नेक्स्ट, एन आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज का नाम हो, उसके पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, द इंग्लिश नो, द हिंदी नो, द गुजराती, मैं लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, नहीं, लैंग्वेज के कोई भी नाम हो उनके पहले आर्टिकल नहीं आता है। नेक्स्ट, एन आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होते हैं ना हम जो स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं उनके नाम के पहले भी आर्टिकल कभी भी यूज नहीं होता है, द मैथमेटिक्स, द इंग्लिश, द हिस्ट्री, द ज्योग्राफी, द साइंस वगैरह कभी भी ऐसा नहीं बोला जाता, तो सिर्फ नाम लेना है, मैथमेटिक्स, साइंस वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट, एन आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ डे, कोई भी जो डे होते हैं हमारे सेवन डेज है, सेवन डेज है, उनके पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता है, द मंडे, ए मंडे, एंड मंडे, ऐसा कभी नहीं, कुछ नहीं होता है, मंडे, ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, उनके नाम के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, ये भी एक रूल है। नेक्स्ट, एन आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ मंथ्स, इंग्लिश में हमारे 12 मंथ्स है, जनवरी टू दिसंबर, कोई भी मंथ हो लो, उसके पहले कभी भी कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, ये भी याद रखना है, द जनवरी, अ जनवरी, एंड जनवरी, ऐसा कभी नहीं होता है। नेक्स्ट, एन आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन, जो सीजन होते ना हमारे, मानसून, रेनी सीजन बोलते हैं उसको हम, समर, विंटर, उनके नाम के पहले भी कभी भी हम आर्टिकल यूज नहीं करते, ये भी हमें यहाँ पे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आर्टिकल्स, यहाँ पे हमने काफी डिस्कस किया है, इतना भी जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है आर्टिकल का हमने यहाँ पे सब आपको दिया है। अगर आपने ये वीडियो देखा ना तो उसके बाद आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, दिस इज अवर गारंटी। अगर आपको नहीं समझ में आया तो ये बार बार वीडियो एक बार दो बार देखिए तो आपको बराबर सब समझ में आ जाएगा, और उसके बाद अगर एग्जाम की बात करेंगे तो क्वेश्चन नहीं आता है, बात इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश की बात करेंगे तो उसके बाद हम ज्यादा कुछ बोल नहीं पाते, ये बेसिकली इतने ही रूल है, ये याद रखो, इसके बाद जनरल कुछ होता नहीं है। या आप ये पूरी की पूरी जो आर्टिकल की पढ़ाई है, जो तैयारी है, इस एक ही वीडियो में सब तैयारी हो जाएगी आर्टिकल्स की।
इज अवर गारंटी ऑन द पार्ट ऑफ अवर एजुकेशन पॉइंट क्लासेस, हमारे क्लास की तरफ से आपको गारंटी है, ठीक है। और ये गया हमारा सिलवास में, हमारा कोचिंग सेंटर है बहुत बड़ा, उसका नाम है एजुकेशन पॉइंट क्लासेस, जो उसके जो डायरेक्टर है वो मातो सर है। तो आप देखिए, हम यहाँ पे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच चलाते हैं, हमारे पास बेस्ट एंड बेस्ट फैकल्टी है, यहाँ पे गुजरात बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की पूरी प्रिपरेशन की जाती है, यहाँ से एकदम बेसिक लेवल से, यानी कि हीरो से हीरो तक पूरा लेवल से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। तो आपको अगर यहाँ पे कुछ एडमिशन इंक्वायरी करनी है तो एक बार आप सेंटर पे आके विजिट जरूर कर सकते हैं, या फिर हमारे यहाँ पे मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, जिससे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको जरूर आपको आपके बच्चे का, आपके चाइल्ड का अगर उज्जवल भविष्य बनाना है तो आप एक बार सेंटर पे जरूर विजिट करिएगा। हमारा सेंटर का नाम मैं फिर से बताता हूँ, एजुकेशन पॉइंट क्लासेस है, जो सिलवास के टोकरखाड़ा एरिया में है, जो यहाँ पे मिनी बस स्टॉप है उसके नजदीक आपको ये सेंटर देगा, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा आपके फ्रेंड्स में, क्योंकि आपके साथ सबकी तैयारी भी हो जाएगी। और आपको अगर ये बहुत पसंद आया होगा तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए आपके लाइक्स हमारा मोटिवेशन बढ़ाते हैं, एनकरेजमेंट बढ़ाते हैं, तो हमें बहुत खुशी भी होती है आगे के वीडियो बनाने में, हम मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर नहीं समझ में आया हो तो एक दो बार देखिएगा, अगर कुछ डाउट है, कुछ क्वेरी है तो कमेंट में लिखना ना भूलिएगा, ताकि आपका प्रॉब्लम हमारे पास तक पास पहुंच जाएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे अभी रुकते हैं, आई थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।